ओरिजिन। बुलेट ट्रेन का नाम इसके सामने कोन शेप डिजाइन के कारण पड़ा है। जापान में इसे शिंकानसेन भी कहते हैं, जिसका मतलब न्यू ट्रंक लाइन या न्यू मेन लाइन होता है। इस समय यह जापान में हाई स्पीड रेलवे लाइंस का नेटवर्क है, जिसे शुरू में जापान के दूर दराज इलाकों को कैपिटल शहर टोक्यो के साथ कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, ताकि कंट्री इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। 1964 में पहली बार 515 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के साथ टोकाइडो शिंकानसेन की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब ये नेटवर्क 2765 किलोमीटर लंबे फासले तक फैल चुका है। टोकाइडो शिंकानसेन जापान के तीन बड़े शहर टोक्यो, नागोया और ओसाका को आपस में जोड़ता है, और ये दुनिया की सबसे बिजी हाई स्पीड रेल लाइंस में से है। हर साल ये 160 मिलियन पैसेंजर्स ले जाती है, और जब ये शुरू हुई थी तब से अब तक ये टोटल 5.6 बिलियन पैसेंजर्स ले जा चुकी है। फाउंडर ऑफ बुलेट ट्रेन। फर्स्ट बुलेट ट्रेन बनाने के पीछे हिडियो शिमा नाम के जापानीज इंजीनियर का हाथ था। जैसे ही उनका करियर प्रोग्रेस करता गया, वो 1948 में नेशनल रेलवे के रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट के हेड बन चुके थे, मगर तीन साल बाद उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और योकोहामा स्टेशन पर लगने वाली आग की जिम्मेदारी अपने सर ले ली, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मर चुके थे। लेकिन खुशकिस्मती से उनके इस्तीफे से पहले उन्होंने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट कर लिया था। फायर एक्सीडेंट के कारण वो बुलेट ट्रेन की ओपनिंग सेरेमनी में भी शामिल नहीं हो सके, लेकिन बाद में जापान नेशनल रेलवे के बड़े अफसर ने उनको चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर कर दिया। शिंकानसेन दुनिया की पहली ट्रेन थी जो 209 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती थी। 1969 में शिमा ने एक दूसरा करियर शुरू किया, जिसमें उन्होंने रॉकेट्स को पावर देने के लिए हाइड्रोजन इंजन्स को डेवलप किया। बाद में वो मशहूर भी हुए और उनको बहुत से अवार्ड्स भी मिले, जिसमें जापान का ऑर्डर ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड, ब्रिटेन का जेम्स वॉट इंटरनेशनल मेडल और यूएस का एल्मर एस पेरी अवार्ड। लेकिन बदकिस्मती से 96 की उम्र में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बुलेट ट्रेन का कंपैरिजन। बहुत पहले मैं जापान, चाइना और रशिया गया था। किस्मत से मैंने ज्यादातर सफर बुलेट ट्रेन से किया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने नोट किया कि शियान चाइनीज का रेलवे स्टेशन बहुत से एयरपोर्ट से बेहतर है। उनमें हाई सीलिंग, मॉडर्न आर्किटेक्चर और सोबर दरवाजे थे। चाइनीज शिंकानसेन का इंटीरियर हवाई जहाज के इंटीरियर की एग्जैक्ट कॉपी था। मजे की बात यह है कि चाइना में 15,500 मील का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है। इन चाइनीज बुलेट ट्रेन के अंदर बड़ी और आरामदायक सीट्स हैं, जो पैर फैलाने की भी काफी जगह देती हैं। कुछ ट्रेन्स में आपको छोटे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जबकि दूसरी ट्रेन्स में ट्रेन होस्टेस भी होती हैं, जो ट्रॉली में स्नैक्स, ड्रिंक्स और नूडल्स वगैरह बेचते हैं। मैंने कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीदी थी। चाइनीज बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त था। दूसरी तरफ टोकाइडो शिंकानसेन का टोक्यो से ओसाका तक का रूट एक खूबसूरत ऐतिहासिक स्टेशन है, इसलिए इसका डिजाइन दूसरे चाइनीज स्टेशन के मुकाबले थोड़ा कम मॉडर्न है, लेकिन ट्रेन के अंदर आराम से टेक लगाकर पैर फैलाने के लिए भी काफी जगह होती है। वैसे ट्रेन के मामले में रशिया भी पीछे नहीं है। मैंने मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक सैप्सन ट्रेन में सफर किया है। इसके स्टेशन बाहर से आर्किटेक्चर के लिहाज से बहुत खूबसूरत बने हुए थे। रशिया के सैप्सन केबिन बहुत ही नाइस होते हैं। सर रखने के लिए बढ़िया हेडरेस्ट और सीट्स पर स्मूथ फैब्रिक। फिर हर रो में कुछ सीट्स होती हैं जो टेबल के साथ एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, जिससे ट्रेन के सफर में एक क्लासिक और रोमांटिक फील मिल जाती है। इन ट्रेन्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लगइन के लिए जगह भी होती है। कई इकोनॉमी क्लास सीट्स में कॉफी, ड्रिंक्स और सैंडविच अवेलेबल होते हैं। रशियन ट्रेन्स में माइक्रोवेव के साथ कैफे सेक्शंस भी होते हैं, जहां से मैंने कॉफी और सैंडविच ऑर्डर किया था, और दोनों बहुत ही टेस्टी थे। स्पीड और टिकट। चलिए अब ट्रेन्स की स्पीड और टिकट फेयर्स को देखते हैं। दो नई शिंकानसेन ट्रेन्स H5 और E5 320 किलोमीटर पर आर या 198 मील पर आर तक की टॉप स्पीड पर ऑपरेट करती हैं। इस ट्रेन के लिए हम स्मार्ट एक्स नाम की एक स्मार्टफोन ऐप से भी टिकट बुक कर सकते हैं, और जैसा कि आपको मालूम होगा कि टोक्यो से क्योटो तक की दूरी 454 किलोमीटर है, जिसका किराया 13,080 येन या $117 बनता है। सिंपली आपको हर 100 किलोमीटर पर $25 पे करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप 29,110 येन या $260 तक का पास खरीदते हैं,
तो फिर आप 7 दिनों तक अनलिमिटेड कहीं भी जा सकते हैं। टोकाइडो शिंकानसेन के रूट पर सफर करते हुए आपको माउंट फूजी देखने का भी चांस मिलता है, पर इसके लिए आपको क्योटो जाते वक्त ट्रेन के राइट साइड पर बैठना होगा। जहां तक चाइना की जी क्लास ट्रेन की बात है तो ये 350 किलोमीटर पर आर की स्पीड तक जा सकती है, मगर नॉर्मली ये ट्रेन 307 किलोमीटर पर आर के आसपास की स्पीड में ही सफर करती हैं। एक नई बनाई गई ट्रेन जिसका नाम फोक्सिंग हाउ है, ये 400 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड हिट कर सकती है। इसकी बिजनेस क्लास सीट्स एयरप्लेन की फर्स्ट क्लास सीट्स के इक्वल होती हैं, और ये केवल जी और कुछ डी टाइप्स में अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक साइड पर 2 सोफे जैसी सीट्स भी होती हैं। हांगकांग से बीजिंग तक का टोटल फासला तकरीबन 2000 किलोमीटर है और इसका किराया केवल $76 बनता है, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस है कि हर 100 किलोमीटर के लिए आपको $4 पे करने होते हैं। साथ साथ चाइनीज मैगलेव ट्रेन लगातार पैसेंजर समेत 430 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड हिट कर सकती है, जबकि साउथ कोरिया की बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर ऑपरेट करती हैं और रशियन ट्रेन 250 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर, लेकिन फिर भी ये 350 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड के लिए अपग्रेडेबल हैं। सर्वाइवल रेट और सेफ्टी। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं ट्रेन का दीवाना क्यों हूँ, जबकि यहाँ तो हवाई जहाज ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है कि जस्ट इमेजिन करें कि आप किसी खराब एयरप्लेन में दूसरे पैसेंजर समेत गिर रहे हैं, तो ऐसे में आप मुझे बताएं कि आपके पास बचने का कितना चांस होगा। आप यही कहेंगे कि 0%। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी डूबती बोट में हो तो भी आपके बचने के चांसेस ज्यादा नहीं है। दुनिया भर में बुलेट ट्रेन से बहुत कम क्रैशेस हुए हैं जिनमें बचने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा थे। शिंकानसेन ट्रेन में ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम या ATC है, जो ड्राइवर को मॉनिटर पर अलाउ की गई स्पीड दिखाता रहता है, और इसी तरह इन ट्रेन की पटरियों पर रेल रोड क्रॉसिंग भी नहीं होती, और इसकी मेंटेनेंस भी हर 2 दिन में की जाती है, जिसमें इंजीनियर्स हर तरह की खराबी दूर करते हैं। ये ट्रेन समय के लिहाज से भी बहुत पंक्चुअल हैं, इसीलिए इसमें किसी भी तरह का ट्रेन टू ट्रेन कोलिजन का रिस्क भी नहीं रहता। इससे भी बढ़कर शिंकानसेन ट्रेन में अर्ली अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम मौजूद है। भूकंप के समय ये दोनों सिस्टम सेकेंड्स में ट्रेन को रोक देते हैं। ये ट्रेन एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और हर साल ये 15,000 टन की कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करती है। सच में बात की जाए तो शिंकानसेन आपकी हार्ड डिस्क से ज्यादा रिलायबल है। मैगलेव ट्रेन। कुछ बुलेट ट्रेन अपनी पटरियों के ऊपर लेविटेट करती हैं, जिनको मैगलेव ट्रेन के तौर पर जाना जाता है। अप्रैल 2015 में इस एडवांस ट्रेन ने चुओ शिंकानसेन के टेस्ट रन में 603 किलोमीटर पर आर की मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचकर दुनिया को हैरान ही कर दिया था। मैगलेव्स तेज स्पीड्स में बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती हैं और इसी तरह और ज्यादा तेज स्पीड में ऑपरेट कर सकती हैं। L0 सीरीज के जबरदस्त सस्पेंशन के कारण ट्रेन तेज स्पीड पर जाते हुए भी किसी तरह की रुकावट, वाइब्रेशन और आवाज को केबिन के अंदर आने से रोकती हैं। टेक्निकली बात करें तो मैगलेव्स ट्रेन्स बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या सुपर कंडक्टर्स यूज करती हैं, जो ठंडे टेम्परेचर्स पर बेहतर काम करते हैं। इसी कारण इसमें ट्रैक को कूल रखने के लिए क्रायोजेनिक कूलिंग की जरूरत पड़ती है। टाइम रेस्पेक्टिंग फैक्टर। हर जापानीज ये जरूर जानता है कि टाइम इज मनी, इसीलिए शिंकानसेन वक्त की कदर करने वाली ट्रेन के तौर पर जानी जाती है। यहाँ तक कि 2012 में टोक्यो और ओसाका के बीच भारी बारिश के कारण शिंकानसेन ट्रेन का जो एवरेज डिले हुआ था वो भी केवल 36 सेकंड्स का था, लेकिन जापानीज अफसर 400 किलोमीटर का सफर करते हुए 10 मिनट से कम के डिले को भी टाइम पर ही मानते हैं। जापान में हर चीज को बहुत बारीकी से देखा जाता है और यहाँ ट्रेन की सफाई करने वाले टीम मेंबर्स को 7 मिनट मिरेकल वर्कर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी ट्रेन को सिर्फ 7 मिनट में ही साफ कर सकते हैं। और भीड़ के समय यहाँ धक्का देने वाले लोग भी हैं, जो पैसेंजर्स को भीड़ के समय ट्रेन के अंदर धक्का लगाते हैं। एब्सेंस ऑफ रेड ग्रीन येलो सिग्नल्स। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि ये गोस्ट स्पीड वाली ट्रेन रेड ग्रीन येलो लाइट सिस्टम्स को फॉलो नहीं करती, क्योंकि शिंकानसेन ट्रेन को हाई स्पीड पर रुकने के लिए भी 3 किलोमीटर चाहिए होते हैं, और ऐसी स्पीड पर अगर ड्राइवर अपने आगे रेड लाइट को देख भी ले तो भी बहुत देर हो जाएगी। साथ साथ बारिश के समय इन इंडिकेटर्स को देखना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसीलिए शिंकानसेन ट्रेन लाइट सिग्नल्स के बजाय कैब सिग्नल सिस्टम या ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम को यूज करती है। बुलेट ट्रेन कोल्ड वॉर। वैसे चाइना और जापान की कोल्ड वॉर किसी से भी छुपी नहीं है, और बुलेट ट्रेन इज नो एक्सेप्शन।
इसीलिए शुरुआत के दिनों में जापान चाइना को शिंकानसेन टेक्नोलॉजी भी नहीं बेचना चाहता था, मगर खाली जेब और खराब फाइनेंशियल हालत होने के कारण जापान को पैसों की जरूरत पड़ी, तो इसे अपनी E2-1000 सीरीज की सारी टेक्नोलॉजी चाइना को बेचनी पड़ी, जिसको बनाने वाली कंपनी कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज थी। पर अब जापान को हाई स्पीड ट्रेन्स बनाने में चाइना से टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। नॉमेनक्लेचर एंड परफॉर्मेंस। कोडामा नाम की बुलेट ट्रेन्स का मतलब है साउंड, हिकारी का मतलब है रोशनी और नोजोमी का मतलब होप है, लेकिन इन सब की मैक्सिमम स्पीड अलग अलग है। हिकारी या रोशनी तेज है कोडामा या साउंड से, क्योंकि रोशनी की रफ्तार आवाज से तेज होती है, जबकि नोजोमी या होप दोनों से ही तेज है, क्योंकि इंसान की आशाएं रोशनी और आवाज दोनों को ही पीछे छोड़ देती है।